सुनसावल भी आ चुका है। बड़ी कटिंग करा लिया है, दिखाई कटोरा कट कराई है। वाह 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 वाह, बड़ी कटिंग कराई है अंकल ने, कराई है जी। बड़ा अब तो हैंडसम बॉय लग रहा है, तुम तो बड़ा प्यारा लग रहा है। ये हमारे पास वाइंडॉट, जो हमारे पास कट्टो है और राजा, उसके बच्चे हैं। और जब 4,000 सब्सक्राइबर हमारे होंगे ना, तो हम इनको ये वाला तोहफा दे देंगे अपने सब्सक्राइबर को, एक ये स्प्लैश एस्ट्रोलैब की मुर्गी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों रात को जो है वो बारिश हुई है, थोड़ी रिमझिम हुई है, दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो रहा है। और परिंदे सारे जो हैं इस टाइम इनको भूख लगी है, दाने डालते हैं। सबसे पहले हम अपने पिजन को खोलते हैं, क्योंकि पिजन जो है वो उनको प्यास लगी हुई है और ये अंदर से जंप करना शुरू हो गया। आ जाओ आ जाओ, शाबाश। एक जो है वो ऊपर है वो, चलो आओ। दोस्तों हमारी कटो के जो है 3 चूज़े पहले निकले हैं, 2 दिन बाद फिर 3 चूज़े निकले हैं, 3 दिन बाद फिर 3 चूज़े, क्योंकि वक्ता हम उसके अंडे रखते रहे हैं और अंडे जो हैं उसमें से चूज़े निकलते रहे हैं। माशाल्लाह अब हमारे 9 चूज़े हो गए हैं कटो के, और कटो को पता ही नहीं है कि 9 चूज़े ये उड़ना शुरू हो गया। आप जैसे देखें इन्होंने जो है पता नहीं कसम डाली हुई है अंडे देने ही नहीं है, तो पता नहीं क्या हो गया इनको मसला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हालांकि फीड भी ठीक खाते हैं और मुर्गे का जो है बॉन्डिंग भी हुई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है पता नहीं इनमें आपस में जो है इन मुर्गियों के कोई मियां बीवी के इख्तलाफ चल रहा है। तो अंडे देने के इनका कोई इरादा नहीं है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। उम्मीद तो है ही अंडे दे देंगे। और कटो कटो ने जो है वो एक पूल ख़त्म हो गया कटो का, मेरे ख्याल से जो एक जाल बनता है ना इनके पेट में अंडों का, वो अब जो है वो ख़त्म हो गया। अब नया जाल शायद कटो बना रही है, क्योंकि इसके फीडर्स काफ़ी सारे गिर गए हैं और अब जो है इसके नए फीडर्स आएंगे। इस साइड शामू, 2 मिनट सब्र कर दो। ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, ये मेल है और वो फीमेल है, पर अभी मुझे डाउट है थोड़ा बहुत, मैंने कभी गौर नहीं किया इन पर। और इस साइड भी हमारे पास माशाल्लाह ये हैं, बंद है, ये लड़ाई करते हैं आपस में, इसकी वजह से हमने जो है इधर बंद कर दिए। इनका जो है ज़मीन का थोड़ा बहुत मसला चल रहा है, इसलिए हमने जो है वो इनको लादा बंद किया। मज़ा आया, जब इनका मसला हल हो जाएगा फिर आपस में रहना शुरू कर देंगे। पालक जो है पहले ऑस्ट्रेलिया की मुर्गियों भी अभी अंडे नहीं दे रही, मुझे लगता है कि जैसी एक मुर्गी अंडे शुरू करेगी ना फिर हमारी सारी मुर्गियाँ अंडे शुरू कर देंगी, जो अभी नहीं दे रही। जो नए आने वाले दोस्त हैं जल्दी से चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, तो क्योंकि 4,000 सब्सक्राइबर पे जो है मैं एक गिफ्ट दे रहा हूँ अपने एक सब्सक्राइबर को, वो हम देखेंगे कौन सा सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा हमारी वीडियोस देखता है और लाइक करता है, उसको हम तोहफा देंगे ये वाली मुर्गी। इसमें स्प्लैश एस्ट्रोलैब की एक मुर्गी है स्पेशल, अंडों पर आई हुई है, तो जितनी जल्दी 4,000 सब्सक्राइबर होंगे उतनी जल्दी आप तक ये गिफ्ट पहुँचेगा। ये स्पेशल ऑफर मैंने लगा दिया। सुनसावल भी आ चुका है, बड़ी कटिंग करा लिया है, दिखाई कटोरा कट कराई है। वाह 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 वाह, बड़ी कटिंग अंकल ने कराई है जी। बड़ा अब तो हैंडसम बॉय लग रहा है, तुम तो बड़ा प्यारा लग रहा है। वाह वाह वाह, सुन सावल यार मेरे, कदी ते मिल सावल यार। तो लेट क्यों आया? वो उधर चला गया था। किधर? काम चला गया था। चला अब आ गया ना, शुक्र है तू आ गया। जल्दी से ना वो पानी डाल थोड़ा सा कबूतरों को ना, कबूतरों को प्यास लगी हुई है। सुनसावल देर से आया लेकिन दुरुस्त आया, कोई मसला नहीं है, देर से आ गया लेकिन हमारा काम हो जाएगा। अभी टाइम है अजान होने में, तो इतनी देर में हमारा काम हो जाएगा। पहले सबसे ना चूज़ों को पानी डालो। कबूतरा बर्तन मेरे सर पे है, वहाँ पड़ा होता है ना, और कहाँ है, जल्दी डालो ना, फिर इन चूज़ों को भी डालने हैं दाने। हाँ शामू को भी डालने हैं, बाकी छोटे चूज़ों को भी दिखाने हैं। छोटे चूज़े तो लेके आओ पहले। हाँ वो अपने से जो थोड़ा से दिखा देते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको दिखा देते हैं अंदर दिखाना। हाँ और हमने जो है वो तोहफा देंगे, जब 4,000 सब्सक्राइबर हमारे होंगे ना, तो हम इनको ये वाला तोहफा दे देंगे अपने सब्सक्राइबर को, एक ये स्प्लैश एस्ट्रोलैब की मुर्गी। हाँ जी, तुम्हें पता है? इसको नहीं था पता, इसको मैंने अभी बताया, ये हम तोहफा देंगे अभी हमारे 4,000 सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है, दे दें दे, दे।, दे देंगे। जाओ जल्दी से नीचे ना, वो जो 6 चूज़े जिसमें है ना वो वाला डब्बा ले आओ, और उसमें बाकी 3 चूज़े भी ले आओ डाल के, वो हम दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को, उसके बाद हम वापस उनको रख देंगे, क्योंकि नीचे हमने उनको ब्रूडिंग कराने उनकी, क्योंकि चूज़ा जब निकलता है उसकी फ्लैशिंग करते हैं, फ्लैशिंग करने के बाद उसको हम हीट में रखते हैं, जैसे ही हम मशीन से निकालते हैं इनक्यूबेटर में, उसको एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए होता है तकरीबन 30 से 33 डिग्री का,
तो उससे कम टेम्परेचर 30 से नीचे नीचे हो तो चूज़ा जो है वो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती और वो बीमार हो जाता है और सर्दी से मरने के भी चांसेस होते हैं अगर ज़्यादा टेम्परेचर कम हो 20 तक चला जाए। इसलिए हमने उनको जो है वो ब्रूडिंग कर रहे हैं उनकी और उनको बल्ब में लगाया हुआ हीट और हीट जो है वो उनको दे रहे हैं और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। मैं आपको ले के आता सावल तो आपको दिखाता हूँ, टेंशन ही लेनी, परेशान बिल्कुल नहीं होना। और एक बात और, यहाँ पे ऊपर जो है ना हम यहाँ पे जो है हम वो रोशनी आती है ये जब शाम होती है इनको हम बंद करते हैं, ये वाला नीचे करते हैं ना तो ये जंप करना शुरू हो जाते हैं ऊपर आसमान की तरफ, शायद ऊपर जो है वो हम उड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये है कि हाँ हमने इसका एक हाल सोचा है, ये सर्दी से भी और हीट से भी बचाएगा, उसके लिए हमने थर्मोकोल शीट लेके आएंगे, थर्मोकोल शीट लेके आएंगे वो ऊपर लगाएंगे, कल परसों इंशाल्लाह आ जाएगी और संडे को लग जाएगी। हाँ जी ये दिखाओ जी, ये देखें जी माशाल्लाह, ये हमारे पास वाइंड आर्ट जो हमारे पास कट्टो है और राजा उसके बच्चे हैं और बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इनमें से कुछ कल निकले थे परसों और कुछ उससे 3 दिन पहले और कुछ उस 3 दिन से पहले, ये सबसे पहले निकले थे, ये उनमें से एक है। ये देखें माशाल्लाह इनके फीदर्स देखें, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। चलो अब इनको ना जाओ, सावल कितने चूजे हैं ये? 9 हैं, पूरे हैं ना, इनको जैसे बांधते ना उसी तरह बांध करो, बल्ब ऑन कर देना ठीक है। जाओ रखाओ इससे पहले इनको सर्दी लग जाए, इनको सर्दी लग जाएगी इसलिए हम इसको फ़ौरन नीचे भेजेंगे। ये हमारे एक लाहौर से ही है भाई डिफेंस से, उनका नाम मुझे अभी सही से याद नहीं है, ये उन्होंने आर्डर हमारे पे बुक करवाया था कि हमें कट्टों के चूज़े चाहिए, तो वो सबसे पहले उनका हक है, जैसे ही जो है हमारे चूज़े थोड़े से मज़ीद बेहतर होंगे तो हम उनको डिलीवर कर देंगे। तो ये वाली जो दोस्तों ये नई फीमेल हमने मंगाई है, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हाइट है, इसकी तबीयत थोड़ी नासाज है तो इसको मैंने अभी इधर बंद किया, इसको दाने काम डाले हैं मैंने। ये हमने मंगवाई है टोबा टेक सिंह से, माशाल्लाह बड़ी प्यारी ये फीमेल है, मादी है हीरे की, ये भी हम जो है वो उस पेयर के साथ लगाएंगे। इसकी जो है ऑलरेडी 2 बेगमात हैं, एक इसके लिए नहीं ले आए हैं, तो अभी जो है जैसी वो थोड़ी सी बेहतर होती है, इसको मेरे ख्याल से मैदे का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसकी थोड़ी ट्रीटमेंट की है तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये ठीक हो जाएगी। मिट्टू जो है ये बैठा हुआ मेरे पास, कुछ सुन रहा है सारी बातें मेरी, और ये मियाँ मिट्टू बोलता है, मियाँ बोलता है, इसके अलावा जो है वो ये मेरे मैसेज की आवाज़ आती है मोबाइल की वो भी बोल लेता है, तो पता ही नहीं लगता कि बाहर बैल बजी है या मिट्टू बोर है, मिट्टू इतना शरारती है। ये नीचे हमारे पास ही होता है सावल, इसको पकड़ो ना, इसको बंद करो, कबूतरों को मारती है, पकड़ लो, पकड़ो ना, देखते हैं तुम पकड़ सकते हो या नहीं, पकड़ो पकड़ो ना, पकड़ो 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 पकड़ो, तुमने क्या पकड़ना है यार, पकड़ो पकड़ो, शाबाश, इसको बंद करो इसके अंदर, ऊपर से चल नीचे से डाल दे, चल दरवाजा बंद कर दे, ये कबूतरों को मारती है, इसको बंद कर दिया हमने, पालक खा मौज कर, पीछे हो जा नीचे गिर जाएगा, ये ले राम से राम से, ओए राम से खा, पीछे पुलिस लगी है। ये ले पानी, पानी तो मुझे ठंडा ही नजर आ रहा है भाई, मोटर लगवा फिर ताज़ा पानी डाले, ये ठंडा है, इन्होंने बीमार हो जाना फिर। कबूतर जो है हमारा एक अंदर चला गया, दूसरी कबूतरी है ये मेरे ख्याल से, ये भी अंदर जा रही है। मिट्टू साहब यहाँ पे अपनी पार्टी खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं बैठ के, खाओ खाओ शाबाश, खाना पीना और काम क्या तुम लोगों का, अंडे तो देने नहीं है कभी जिंदगी में, आराम से खा, गले में फंस गई सारी रोटी, ओए आराम से खा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पर नया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।